क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुस्कान जो है चार सौ रुपये में दो किलो दाल खरीदती है और इसे चार सौ चालीस रुपये में बेचती है वो एक किलो के जगह पे कितना आठ सौ पचास ग्राम का इस्तेमाल करती है तो आपको बताना है कि उसका वास्तविक लाभ कितना होगा अब देखिए उसने खरीदा कितना चार सौ रुपये के बेच कितने के रही है चार सौ चालीस रुपये में देना चाहिए उसको कितना एक हज़ार देना चाहिए एक हज़ार लेकिन दे कितना रहिए आठ सौ पचास ही दे रही है अब देखो जो कटने वाला लायक है उसको काट देंगे तीन जीरो से यहाँ से तीन जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और चार से ये काटेंगे तो हो जाएगा कितना आपका एक सौ दस ये हो जाएगा बाईस और ये हो जाएगा कितना आपका सत्रह यानी कि सत्रह को सामान को कितने बेच रही है बाईस में बेच रही है प्रॉफिट हो रहा है ना जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है पाँच का प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि परसेंटेज की बात करें तो हो जाएगा कितना आपका पाँच सौ बटे में सत्रह परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो सत्रह दूनी का चौंतीस दो और इसमें छः हो जाएगा तो पाँच तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर क्या है थ्री हो थ्री ही होना चाहिए ठीक है क्योंकि सत्तर दोनों चौंतीस तो दस में चार दस में से चार बचेगा और ये चार में से तीन का एक यानी कि और यहाँ पर एक सौ साठ है तो ये नौ भी बाद में जाएगा सत्रह नवा तिरपाना से यानी कि एक सौ साठ हो जाएगा ना सत्रह तो नवा तिरपाना से ये हो जाएगा कितना सात बटे में सत्रह परसेंट ऑप्शन नंबर थ्री